नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की। SBI का विस्तार, 5 सहयोगी बैंकों के साथ विलय को मंजूरी। वैश्विक आकार का बड़ा बैंक बनाने की अपनी मंशा के तहत सरकार ने SBI व इसके 5 सहयोगी बैंकों की विलय योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। हालांकि भारतीय महिला बैंक के बारे में कोई फैसला नहीं किया। SBI में उसके अनुषंगी बैंकों को मिलाने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मंत्रिमंडल ने विलय प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन बैंकों के बोर्डों के पास ये प्रस्ताव गए थे जिन्होंने उसे मंजूरी दे दी थी। बैंकों के निदेशक मंडलों की सिफारिश पर विचार हुआ और मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिन सहयोगी बैंकों का SBI में विलय किया जाना है उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला व स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि इस विलय के बाद ये एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा, घरेलू लिहाज से ही नहीं बल्कि आकार के हिसाब से वैश्विक स्तर पर भी। मंत्री ने कहा कि इस विलय से जहां इन बैंकों की कोष लागत घटेगी वहीं परिचालन लागत में भी कमी आएगी। प्रस्तावित विलय के बाद SBI का आस्थी आधार 37 लाख करोड़ रुपए का होगा। इसकी शाखाओं की संख्या 22,500 होगी। इसी बीच ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का कहना है कि इससे किसी का फायदा नहीं होगा तथा वो इस फैसले का विरोध करेगा। एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकट चलम ने बताया कि संघ इस फैसले के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विरोध के स्वरूप के बारे में एक दो दिन में कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय देश की जरूरत बड़ा बैंक नहीं बल्कि मजबूत बैंक है। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भाजपा ने की सामना पर प्रतिबंध की मांग, उद्धव ने इसे बताया आपातकाल। BSF के जवान भी इस्तेमाल करेंगे पतंजलि के उत्पाद। 500 करोड़ की ठगी, वेब वर्क कंपनी के 4 खातों पर रोक। यूसुफ पठान को झटका, हांगकांग 20T लीग में नहीं खेलेंगे। अनुराग ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय से बिना शर्त मांगी माफी।